अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा क्लस्टर रिपोर्ट सीरीज का पार्ट 7 है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटाबेस से डाटे को कैसे शो करते हैं क्लस्टर रिपोर्ट में विद द हेल्प ऑफ डाटा सेट। मतलब कि डाटा सेट को यूज करके हम डाटे को कैसे शो करते हैं क्लस्टर रिपोर्ट में। तो फ्रेंड, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज देखे हैं उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने डाटा सेट के बिना जो है वो क्लस्टर रिपोर्ट में डाटे को शो करवाया है। तो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डाटा सेट को यूज करने की हमें फिर क्या जरूरत है, जबकि हमारे पास डाटा तो वैसे भी शो हो ही रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलो फ्रेंड, हमें डाटा सेट को यूज करने के काफी एडवांटेज हैं। जैसा कि अगर हमने कुछ चेंजेस करने हैं तो वो इजिली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सर्वर नेम वगैरह भी कुछ चेंज करते हैं एसक्यूएल सर्वर का, तब भी हमारी क्लस्टर रिपोर्ट पे कोई मसला या एरर नहीं आएगा, वो हमारी एप्लीकेशन में बिल्कुल ठीक से वर्क करेगी। जबकि इससे पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट क्लस्टर रिपोर्ट को एसक्यूएल सर्वर के साथ लिंक किया था, तो उसमें क्या होता है जब हम सर्वर नेम चेंज करते हैं ना, तो हमारे पास फिर क्लस्टर रिपोर्ट में एरर आता है, क्लस्टर रिपोर्ट लोड जो है वो नहीं होती। तो डाटा सेट में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये एक गुड प्रैक्टिस भी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज जो है वो कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक टेबल है या हमारे पास दो ज्वाइनिंग टेबल है, तो उनका डाटा जो है वो क्लस्टर रिपोर्ट में कैसे शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा सेट। तो चलिए फ्रेंड, मैं विजुअल स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैं वीडियो स्टूडियो में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे आप ऊपर नेम देख सकते हैं, क्लस्टर रिपोर्ट विद डीएस, मतलब डाटा सेट। तो यहाँ पे मैं इससे पहले आपको अपनी डेटाबेस चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एसक्यूएल सर्वर ओपन है और यहाँ पर मेरे पास देखें एक टेस्ट नाम की डेटाबेस है। इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया कस्टमर्स के नाम से। उसमें हमारे पास टोटल जो है वो 4 फील्ड है और इसमें मैंने जो है वो कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड जो है वो इंटर किया हुआ है। अब ये हमारे पास एक टेबल है, पहले हम इसको डाटा सेट की मदद से जो है वो क्लस्टर रिपोर्ट में शो करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको एक चीज बताते चलूं, आपने क्या करना है, एक अलग से फॉर्म जो है वो रख लेना है। उसमें आपने क्लस्टर रिपोर्ट व्यूअर, वहां पे जिसमें हमने क्लस्टर रिपोर्ट को शो करवाना है, उस पर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। उसके अलावा आपने एक ही फॉर्म पे जितनी मर्जी जो है वो उसी फॉर्म को यूज करके जो है वो आपने रिपोर्ट्स को प्रिंट करवाते जाना है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में काफी चीज जो है वो डिटेल में बताई है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक और फॉर्म इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देखें, मैं विंडो फॉर्म एक और इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं रखता हूँ। जैसे कि रिपोर्ट बस इस पर मैंने व्यू करवानी है और प्रिंट करवानी है। मेरे पास जितनी भी रिपोर्ट्स होगी, जितने भी फॉर्म होंगे, मैं इसी एक फॉर्म को यूज करके जो है वो इसी पेज जो है वो प्रिंटिंग करवाता रहूंगा। इसको मैं एक नाम देता हूँ, रिपोर्ट व्यू स्क्रीन कह लें या जो मर्जी कह लें, इसको ऐड कर देता हूँ। इसी फॉर्म पे हमने अपनी सारी रिपोर्ट्स को व्यू करवाना है। तो यहाँ पे इस पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ टूल बॉक्स विंडो में। आपके पास क्लस्टर रिपोर्ट के लिए आपको क्लस्टर रिपोर्ट इंस्टॉल होनी चाहिए। आपके पास ये कैसे करते हैं, मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाकर था क्लस्टर रिपोर्ट व्यूअर, इसको मैं इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास इसमें क्लस्टर रिपोर्ट व्यूअर जो है वो आ चुका है। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कि सेटिंग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ये लोगो वगैरह और ये ग्रुप टी वगैरह आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में चले जाएं और यहाँ पे जाके ये देखें, ग्रुप टी को यहाँ पे मैं इसको नन कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। ये लोगो मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो है वो ये सारे सेटिंग आप अपने हिसाब से, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्लोज बटन जो आ रहा है, इसको भी मैं फास्ट कर देता हूँ। तो चलिए, ये हमारे पास जो है वो हो चुका है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, इस फॉर्म के लोड पे हमने इसको दो चीज़ें देनी है। जैसे ही हम इसको फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म से कॉल करेंगे, तो इस फॉर्म को हमने दो जो है वो चीज़ें देनी है। कौन कौन सी देनी है, मैं आपको यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसके कोड में मैं चला जाता हूँ। लोड इवेंट आप कह लें, इस पर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे इसके रिपोर्ट, जब ये फॉर्म लोड होगा तब हमने कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे शो करवानी है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो कोड करना है वो बाद में करते हैं। अब यहाँ पे मैं, यहाँ आप कहीं पे भी यहाँ पे दो अपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ, पहली हमारे पास होगी स्ट्रिंग, उसकी डाटा टाइप होगी और इसको हम देंगे रिपोर्ट नेम। मतलब कि जो हमने रिपोर्ट को इसमें शो करवाना है उसका नेम भी हम पीछे से जो या जिस फॉर्म से हम इसको कॉल करेंगे उस वहाँ पे मैं इन चीज़ को असाइन करूँगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसको समझाता हूँ, अभी के लिए आप इतना ही रखें। यहाँ पे मैंने एक और प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर करनी है, और सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, वो होगी डाटा सेट और यहाँ पे इसका रिपोर्ट डाटा, मतलब कि रिपोर्ट में हमने जो डाटा शो करवाना है वो भी हम इसको सप्लाई करेंगे। ये दो चीज़ें जो है वो हमने डिक्लेयर कर दी। अभी इस फॉर्म को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, बाकी का कोड हम अभी थोड़ी देर में करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने पहले फॉर्म पे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन लगाता हूँ, यहाँ पे मैं एक बटन लगा देता हूँ सिंपल। इस बटन को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ,
अभी ज़्यादा मैं इसकी स्टाइलिंग नहीं करूँगा, बस इस बटन के क्लिक पे हमने इस रिपोर्ट को जो है वो उस फॉर्म पे शो करवाना है, बस इतना काम हमने करवाना है। तो यहाँ पे मैं इस बटन को नेम टेक्स्ट लिख देता हूँ, शो रिपोर्ट, नेम जो बाई डिफॉल्ट है वही रहने देता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसका यहाँ से बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया 18, ठीक है, शो रिपोर्ट। अब यहाँ पे उससे पहले हमने क्या करना क्या है, यहाँ पे आप जाएं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, अपने प्रोजेक्ट में जाएं, और यहाँ पे जाके आपने एक डाटा सेट लेना है। यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, मैं ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आपको साथ साथ ही बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाटा सेट के लिए जैसे कि DS, तो यहाँ पे मैंने DS का एक फोल्डर लिया है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर एक डाटा सेट को इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड पे चलता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू आइटम, न्यू आइटम के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा डाटा में, और डाटा में जाके हमारे पास ये डाटा सेट, ठीक है, डाटा के अंदर है ये डाटा सेट। और यहाँ पे आप इस डाटा सेट को कोई भी एक नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो मर्जी आप दे लें, ठीक है। मेरे पास बाय डिफॉल्ट डाटा सेट 1 आ रहा है, तो मैं इसको यही रहने देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डाटा सेट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए डाटा सेट ऐड हो चुका है। अब इस डाटा सेट के अंदर आप मल्टीपल टेबल्स जो है वो यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इसके राइट क्लिक करता हूँ ऐड, और यहाँ पे डाटा टेबल, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल जो है वो आ चुका है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये वर्क कैसे करती है, मैं आपको इसका थोड़ा सा फ्लो भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जितने भी टेबल है ना हमारे पास, जो मैंने शो करवाने हैं रिपोर्टिंग में, वो डाटा सेट में मैं यहाँ पे उनको जो है वो डिजाइन करता जाऊंगा। डिजाइन से मुराद क्या है, जैसे कि मैं आपको अभी एक एक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो टेबल है ना, यहाँ पे हमने कस्टमर की डिटेल शो करवानी है, तो इस डाटा सेट को मैं एक नाम दे देता हूँ, कि जो हमारे पास है ना, ये आल, या स्मॉल में लिख देता हूँ, आल कस्टमर्स डिटेल्स। ये मैंने इसको एक डाटा सेट को नेम दे दिया। हर डाटा सेट को आपने एक नेम देना है, ताकि आपको इजीली उसको आगे आप यूज भी कर सकें। जैसे कि मैंने इसको दे दिया ऑल कस्टमर डिटेल। इसके अंदर अब आपने जो फील्ड्स शो करवानी ना रिपोर्ट्स में, वो आप यहाँ पे देंगे। एक चीज आपने यहाँ पे जेन में रखनी है, कि जो भी आप फील्ड यहाँ पे देंगे ना, वो आपके डेटाबेस में जो कॉलम है ना, जो ये जो फील्ड है, जैसे कि ID, नेम, ईमेल, फोन, इनके साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं अब देखें राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड, यहाँ पे कॉलम, और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L, ठीक है। ऐसे करके आपने कॉलम ऐड करना है। पहला हमारे पास होगा ID वाला, Ctrl+L करता हूँ। यहाँ पे दूसरा हमारे पास होगा नेम, फिर से Ctrl+L, और इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ईमेल और फोन। तो यहाँ पे मैं लूंगा ईमेल, फिर से Ctrl+L और फोन। ये देखें मेरे जो मैंने यहाँ पे नेम लिए हैं ना, वो हमारे पास यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डाटा सेट बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको साइड पे कर देना है। अब मान लें हमारे पास एक और टेबल होता, कोई भी, मतलब किसी और रिपोर्ट में हमने उसको यूज करवाना है, तो आपने जो भी यहाँ पर हमारा आपके पास टेबल होता, आपने एक डाटा सेट के अंदर मल्टीपल ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड करके डाटा टेबल, और उस टेबल की फील्ड वगैरह भी यहाँ पे डिक्लेयर करते जाना है, ठीक है। जितने भी टेबल आप मर्जी बनाते जाए, यहाँ पे जो आप नाम देंगे, फिर उसी नाम से जो है वो उसको यूज करेंगे रिपोर्टिंग में। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो मैं अभी के लिए मेरे पास एक ही है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने डाटा सेट एक बना लिया। अब मैं चलता हूँ अपने फॉर्म पे, ये बटन पे चलता हूँ, फॉर्म 1 पे चलता हूँ, जिसपे हमने जो है वो रिपोर्ट को शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे मैंने रिपोर्ट को शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब हमने डेटाबेस से डाटा लाना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग एक होनी चाहिए, तो वो हम ले आते हैं यहाँ से। जल्दी से टूल्स में मैं चलता हूँ, कनेक्ट टू डेटाबेस करता हूँ। उसके बाद हमारे पास डेटाबेस, मैंने काफी चीजें बार जो है वो ये चीज बताई है। यहाँ पे आप SQL सर्वर के साथ कर रहे हैं तो वही रहने देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सर्वर नेम मेरा बाय डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे मैं डॉट प्रेस कर देता हूँ। जितने भी हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस होंगी वो सारी आ जाएंगे। तो हमने कौन सी यूज करनी है, टेस्ट वाली, तो यहाँ पे मैं टेस्ट वाली को लेता हूँ, टेस्ट कनेक्शन करता हूँ, तो हमारा कनेक्शन बन चुका है, मैं ओके कर देता हूँ। अगर आपने कोई ऑथेंटिकेशन लगाई है, तो फिर वो आप पासवर्ड करके जो है वो लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ये वाली सर्वर एक्सप्लोरर विंडो में। ये देखें सर्वर एक्सप्लोरर विंडो में यहाँ पे हमारे पास ये बन गया है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गई, इसको मैं डबल क्लिक करके Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं ऊपर इसको एक वेरिएबल में अभी के लिए सेव कर रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप कोई प्रोजेक्ट
डिजाइन कर रहे हैं तो आप इसको पूरी एप्लीकेशन में ग्लोबल ही करें, ठीक है। मैंने ये चीज़ें काफ़ी चीज़ बार आपको बताई भी हैं, तो यहाँ पे अभी के लिए हम मैं इसको यहाँ पे इसी फॉर्म पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, नहीं तो आपने ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल में इसको डिक्लेयर करना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी जो है वो आ चुकी है, अब हमने डेटाबेस के साथ काम करना है। तो अब हम दो नेम स्पेस इम्पोर्ट कर लेते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। पहले ये नेम स्पेस चले इसको काम करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एसक्यूएल कनेक्शन बनाना होता है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको क्या करना होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग असाइन करनी होती है, तो वो हमने वेरिएबल में बना ली है। तो आप इसको जो है वो ट्राई कैच ब्लॉक में दें, ताकि अगर एप्लीकेशन में कोई मसला भी आए तो आपके पास जो है वो एप्लीकेशन आपकी क्रैश ना करे। तो मैं ट्राई ब्लॉक में लिखूंगा ये सारा कुछ। उसके बाद दूसरा हमने करना क्या होता है, कमांड देनी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग एसक्यूएल का वेरिएबल बना लेता हूँ, इसमें मैं अपनी क्वेरी को सेव करूंगा, जो मैंने क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी मैंने क्या लिखनी है, हमने डेटाबेस से डाटा लाना है, तो उसके लिए होती है सिलेक्ट स्टोर फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम क्या है, कस्टमर्स कस्टमर्स। तो ये मैंने क्वेरी एक वेरिएबल में सेव कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेबल का नेम क्या है, कस्टमर। तो वो हमने यहाँ पे दे दी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल कमांड बना ली है हमने। ये चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें बार डिटेल में जो है वो डिस्कस की हुई, अभी के लिए मैं स्पीड में थोड़ा सा कर रहा हूँ, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। एसक्यूएल कमांड ये दो चीज़ें लेता है, एक तो कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग, सॉरी क्वेरी, कनेक्शन, ठीक है। पहले में हमने इसको क्वेरी पास करनी होती है, एसक्यूएल वाली वेरिएबल मैंने पास कर दिया, और दूसरा हमने जो कनेक्शन बनाया वो सी ओ एन 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 में है, वो मैंने पास कर दिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं, कनेक्शन को हमने ओपन करना होता है, डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक मैं लेता हूँ एसक्यूएल डाटा अडाप्टर, इसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ए डी पी इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडाप्टर। इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये सी एम डी को पास कर देना होता है। अब हमारा जो भी डाटा है ना वो इस अडाप्टर में आ जाएगा, ए डी पी जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मेन चीज आ रही है वो यहाँ पे, ये चीजें तो हमने काफी बार की भी हुई हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई पैरामीटर होता तो आपने पैरामीटर वेयर क्लास के साथ आपने वो पैरामीटर पास करना था, लेकिन अभी हम सारा ही ला रहे हैं तो मैंने ये क्वेरी लिखी है। क्वेरी आप अपनी चेंज कर सकते हैं, जो भी अपनी आपकी क्वेरी है। तो यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा डाटा सेट, डेटा सेट इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डी एस के नाम से, इज इक्वल टू न्यू डाटा सेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो हमारे पास यहाँ पे इसमें रिकॉर्ड आया है ना, वो सारा इस डाटा सेट में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए डी पी अडाप्टर डॉट फिल, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि डी एस जो हमने अभी डाटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे जो डी एस ये वाला, ठीक है, वो देना है। अब कॉमा डाल के दूसरा पैरामीटर ये जो लेता है ना वो ये चीज़ है। अब देखें हमारे पास क्या है, डाटा सेट है ये वाला। अब डाटा सेट के अंदर मैंने जैसा कि आपको इसको मैंने एक नाम दिया है ये वाला ऑल कस्टमर डिटेल, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो आपने ये वाला नेम अपना जो आपने डाटा सेट में डाटा को फिल करवाना है ना, वो आपने नेम यहाँ पे देना है। अगर आपके पास मल्टीपल होंगे तो जो भी आपने देना वो आप यहाँ पे देंगे, मेरे पास अभी एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉर्म वन, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर अपने डाटा सेट का जो नेम है ना वो यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपने थोड़ा सा बस ध्यान से करनी है, तो जो आपके डेटाबेस का डाटा सेट का नेम है ना वो आपने यहाँ पे देना है। आपके पास मल्टीपल डाटा सेट भी हो सकते हैं। तो अब हमारा इतना काम हो गया, अब हमारा जो भी डाटा होगा वो सारा डाटा सेट में हमारे पास चला जाएगा। अब उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे ई एक्स और यहाँ पे मैसेज बॉक्स में एक्सेप्शन को शो करवा लूंगा, अगर कोई एरर भी होगा तो वो हमारे पास यहाँ पे नजर आ जाएगा। और फाइनली ब्लॉक में हम क्या करेंगे, एक फाइनली ब्लॉक भी होता है, आप ना भी दें वैसे कनेक्शन को क्लोज कर दें, लेकिन मैं स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ। डॉट हमारा कनेक्शन जो है ना, सॉरी, हमने अब यहाँ पे कनेक्शन को हमने बेसिकली इसके अंदर ओपन किया है, ठीक है, तो इसके बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर हमने ऊपर किया होता तो फिर तो यहाँ पे कनेक्शन को आप यहाँ पे ही क्लोज कर दें, चले सारा काम होने के बाद डॉट क्लोज हो जाए, कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाए। अब ये हमारा डेटाबेस का काम तो हो गया, जो हमारे पास डेटाबेस से डाटा लाएगी क्यूरी और यहाँ पे इस डाटा सेट में फिल कर देगी। अब हमने इस डाटा सेट को आगे यूज करना है, तो उसके लिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब आगे हमारी रिपोर्ट की बारी।
हमने डाटा सेट भी बना लिया, फॉर्म वगैरह भी डिजाइन कर लिए, रिपोर्ट को व्यू स्क्रीन भी बना ली। अब यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे जाके न्यू फोल्डर, और इसको मैं देता हूँ रिपोर्ट्स। इसके अंदर हम सारी रिपोर्ट्स रखेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, यहाँ पे न्यू आइटम में जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं रिपोर्टिंग और यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट। अब इस क्रिस्टल रिपोर्ट को मैं एक नाम दे देता हूँ, आप कोई भी नाम अपने हिसाब से रख लें। जैसे कि मैंने रख दिया गेट ऑल कस्टमर डाटा कह लें रिपोर्ट्स, ठीक है। ये मैंने इसको एक नेम दे दिया, ये यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये मैंने रिपोर्ट ऐड कर दी। ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगा जब आपके पास क्रिस्टल रिपोर्ट अच्छे से इंस्टॉल होगी, सही से, कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास इंस्टॉल है तभी मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास, हम रिपोर्ट विजिट से नहीं करेंगे, मैं इसको एज ए ब्लैंक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ जो है वो यहाँ यहीं पर डिटेल में बताऊंगा, ब्लैंक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ओके कर दिया, तो हमारे पास ये रिपोर्ट बन के जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख एक इंसर्ट करूंगा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ जैसे कि ऑल कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बता, आप इसको अच्छे से डिजाइन करें, मेरी कोई कह लें कि इतनी अच्छी, मैं अभी डिजाइन नहीं कर रहा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से डिजाइन कर लें, रिपोर्ट को अपने को जिस तरह की आपको चाहिए, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इतना ही लिख दिया। यहाँ पे स्पेशल फील्ड करके जो है वो आप स्पेशल फील्ड करके यहाँ पे टाइम वगैरह भी प्रिंट करवा सकते हैं स्पेशल, जैसे कि प्रिंट डेट वो यहाँ पे रख दें तो ये ऑटोमेटिकली डेट यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ऐसे ये बहुत सी जो है वो स्पेशल फील्ड है, वो आप इनको यूज कर सकते हैं। ये पेज नंबर वाला सारा कुछ जो है वो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा जो रह गया काम, यहाँ पे हमने डाटा शो करवाना है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे डेटाबेस फील्ड पे आपने राइट क्लिक करना है और डेटाबेस एक्सपर्ट में चले जाना है। यहाँ पे जाके देखें, हमें ऐसे कनेक्शन बनाना पड़ता था, क्रिएट या न्यू कनेक्शन करके हमें बनाना पड़ता था। यहाँ पे हमारे पास इशू आता था कि अगर यहाँ पे देखें हमारे पास सर्वर नेम जो है वो यहाँ क्रिस्टल रिपोर्ट में सेव हो जाता था, लेकिन जब हम सर्वर नेम हमारे पास चेंज होता है तब ये रिपोर्ट में एरर आता है। तो अब हम डाटा सेट से कर रहे हैं तो अब हमें कनेक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपने चला जाना है यहाँ पे प्रोजेक्ट डाटा में, यहाँ पे एडियो डॉट नेट डाटा सेट, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके पास जितने भी डाटा सेट बने होंगे ना वो सारे यहाँ पे शो होते जाएंगे। जैसे कि मैंने हमने एक बनाया ऑल कस्टमर डिटेल वाला, वो शो हो रहा है। जितने भी बनाएंगे आप वो सभी यहाँ पे शो होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर ना शो हो तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट डाटा पे राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हमने इस रिपोर्ट में इस वाले डाटा सेट को यूज करना है, तो इस पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, ओके करूंगा। तो जितनी भी फील्ड्स हमने इस डाटा सेट में बनाई थी ये वाली, वो सारी हमारे पास रिपोर्ट में आ जाएगी। रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे चली गई है, चले इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये वाली फील्ड जितनी भी थी ना हमारे पास, वे सारी जो है वो वहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट में आ जाएगी। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ डेटाबेस फील्ड्स, यहाँ पे जाके ये देखें इसके अंदर हमारे पास आ रही हैं। अब इनको हमने अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेना है, जैसे कि यहाँ पे ये आइडिया कि मैं एक बार इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, दोबारा से ड्रैग करते हैं, यहाँ से जाके आईडी पकड़ता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही नेम, ऐसे ही ईमेल, ऐसे ही हमारे पास फोन। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिपोर्ट है, आप इसकी डिजाइनिंग करें अच्छे से। मैं जैसे कि अभी के लिए ऊपर वाले चेंज कर रहा हूँ, आईडी इसको मैं कर रहा हूँ नेम, ईमेल, फोन। इसको आप स्टाइलिंग करें इसकी, आप फॉन्ट साइज वगैरह बोल्ड वगैरह करें। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ आप ऊपर वाले ही चेंज करेंगे, नीचे वालों को आप कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं जैसे इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन इसकी खत्म कर देता हूँ, तो वगैरह ये आप सारी सेटिंग जो है इसकी कर लें। इसके बाद आप लाइनें लगाना चाहते हैं तो वो लाइनें भी आप लगा लें। जैसे कि यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, एक लाइन मेरी होगी यहाँ से यहाँ तक, मैं जल्दी में लगा रहा हूँ, आप अच्छे से जो है वो इसकी डिजाइनिंग करें। ये लाइन लगा दी यहाँ से पकड़ के मैंने, इसके बाद ऐसे ही मैंने फिर से लाइन लगा दी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं नीचे करके यहाँ पे भी लाइन लगा देता हूँ,
ये लाइन लगा दी, और इसके बाद हमारे पास जो बची हैं वो लाइनें मैं हर रिकॉर्ड के बीच के भी शो करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें ये लगा दी, इसे को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं कंट्रोल सी वी से यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास होगी। अब यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको फिट सेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे ये भी सेक्शन फिट हो जाएगा, ऐसे ही इसको भी मैं फिट सेक्शन करता हूँ। अब हमारी रिपोर्ट्स की थोड़ी सी डिजाइनिंग जो है वो हो चुकी है, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सेव। अब हमारा जो है वो ये काम हो चुका है, हमारी रिपोर्ट डिजाइन हो चुकी है, अब हमने इसको शो करवाना है। अब हमारा कोड रह गया, तो यहाँ पे चलता हूँ मैं अपने फॉर्म वन पे यहाँ पे। ठीक है, इस पे डबल क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस से डाटा तो सारा हमने ले आए थे, कोड हमने लिख दिया सारा। अब हमने क्या करना है, रिपोर्ट में शो करवाना है। यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे फ्रेंड हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि ये जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट बनाई है ना, ये रिपोर्ट्स के अंदर ये वाली रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट को हमने शो करवाना है। कहाँ पे शो करवाना है, ये रिपोर्ट व्यू स्क्रीन में, जो हमने फॉर्म बनाया था रिपोर्ट व्यू स्क्रीन वाला, यहाँ पे हमने शो करवाना है। इसमें हमने शो कब करवाना है, जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, ठीक है, इस बटन पे क्लिक हो तब हमने शो करवाना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इस रिपोर्ट स्क्रीन में शो करवाना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिपोर्ट व्यू स्क्रीन, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जैसे कि व्यू के नाम से, इज इक्वल टू न्यू रिपोर्ट व्यू स्क्रीन। अब यहाँ पे आपको याद होगा इस रिपोर्ट व्यू स्क्रीन के पे हमने दो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की थी, मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे फॉर्म पे, ये वाली प्रॉपर्टी। अब हमने इन प्रॉपर्टीज को सेट करना है, इसमें हम बताएंगे कि रिपोर्ट, अब यहाँ पे देखें हमारे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ये एक रिपोर्ट है, हमारे पास काफ़ी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन हमने इसमें कौन सी शो करवानी है उस बटन के क्लिक पे, वो हम इस रिपोर्ट नेम में इसको बताएंगे, और ऐसे ही हमने जो डाटा इसमें शो करवाना है वो हम इसमें साइन करेंगे रिपोर्ट डाटा में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ फॉर्म वन में, यहाँ पे हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी पहले तो हम मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग ऐप पाथ। अब यहाँ पे हमने ये इसलिए वेरिएबल लिया है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन अब पता नहीं कहाँ से रन हो रही है, सी में पड़ी है, डी में पड़ी है, हमें नहीं पता, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये खुद ही पता करे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ, जहाँ से भी हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी, वो यहाँ से हमारे पास एप्लीकेशन का स्टार्टअप पाथ गेट करके इस वेरिएबल में जो है वो सेव कर लेगा। ठीक है, ये तो हो गया एप्लीकेशन पाथ। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारी रिपोर्ट का पाथ भी लेना है, तो उसके लिए मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट एक और ले लेता हूँ, जैसे कि रिपोर्ट पाथ, ये मैंने एक वेरिएबल लिया कि हम इसमें अब रिपोर्ट को शो करवाना है। अब रिपोर्ट्स हमारी कहाँ पर पड़ी हुई है, तो रिमोट जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारी पड़ी हैं रिपोर्ट फोल्डर के अंदर, रूट डायरेक्टरी में रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर हमारे पास ये वाली रिपोर्ट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट में लगा दूँ एट द रेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर, रूट डायरेक्टरी में रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर हमारे पास जो रिपोर्ट है ना वो ये वाली है, गेट ऑल कस्टमर। मैं इसको यहाँ पे रीनेम करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यही नेम सेम टू सेम यहाँ पे आपका रिपोर्ट का जो भी नेम है आपने बिल्कुल सही से लिखना है, डॉट आर पी टी भी आप लिखना है, इसकी एक्सटेंशन भी आपने साथ में ही देनी है। अब यहाँ से हमारी एप्लीकेशन का पाथ आ जाएगा ऐप पाथ में, और रिपोर्ट का पाथ आ जाएगा रिपोर्ट पाथ में। अब हमने एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं आपको इसलिए ये भी बता रहा हूँ, फुल पाथ। ठीक है, और यहाँ पे फुल पाथ में हम क्या करेंगे, इन दोनों पाथ को आपस में जोड़ देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पाथ, यहाँ पे ये आपके पास ऐसे नहीं आएगा, आपने इस पे ओवर करना है या कंट्रोल डॉट प्रेस करना है, इसकी नेम स्पेस आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ये इंपोर्ट हो चुकी है डॉट कंबाइन। यहाँ पे जाके मैं पहले वेरिएबल पास करूंगा ऐप पाथ, जिसमें हमारी एप्लीकेशन का पाथ आया, उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट पाथ। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब हमने इन प्रॉपर्टी, हमारे पास जो है वो रिपोर्ट का पाथ भी आ चुका है, ऐप पाथ भी आ चुका है, उसके बाद हमने अब यहाँ पे ये जो हमने रिपोर्ट व्यू स्क्रीन में पहले वाली प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ रिपोर्ट नेम में, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये वाला व्यू वाला, इस पर मैं लिखूंगा व्यू डॉट आगे रिपोर्ट नेम, देखें यहाँ पे ऐसा है। अब यहाँ पे रिपोर्ट नेम में मैं दे दूंगा फुल पाथ, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे सेव करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने जो डाटा शो करवाना है वो कहाँ पे आएगा हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्यू डॉट रिपोर्ट डाटा,
रिपोर्ट डाटा। अब डाटा हमारा पास कहाँ से आ रहा है, डाटा सेट में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं डीएस पास कर दूंगा, ये वाला डीएस, इसमें हमने फिल करवा रही है ना सारा डाटा, तो यहाँ पे ये डीएस मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब हमारी दोनों प्रॉपर्टी शो हो चुकी है सेट, और यहाँ पे अब मैं इस फॉर्म को शो करवा दूंगा, व्यू डॉट शो डायलॉग। अब जैसे ही हमारा ये फॉर्म शो होगा, तो इस फॉर्म के शो पे अब हमने कोड करना है। जैसे ही हमारा ये फॉर्म शो होगा, अब जैसे ही हम बटन पे कॉल होगा, ये प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी, और अब हमने इन्हीं को आगे इस व्यू पे लोड करवा देना है। जो भी इसमें हम सेट करेंगे वो ही इस रिपोर्ट व्यू स्क्रीन में लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक बना लेता हूँ, ताकि कोई एरर भी हो तो मसला ना हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, ये आपके पास ऐसे नहीं आएगा, इसकी आपको नेम स्पेस इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। डॉट प्रेस करता हूँ, यूजिंग क्रिस्टल डिसीजन डॉट क्रिस्टल रिपोर्ट डॉट इंजन, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो इसकी नेम स्पेस इम्पोर्ट हो चुकी है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इज इक्वल टू न्यू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, इसमें हम जो है वो सारा शो करवाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, इस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में ये रिपोर्ट नेम और रिपोर्ट डाटा दोनों इसमें लोड कर देंगे, जैसे कि आर डी डी डॉट लोड। अब इसमें हमने क्या बताना है कि कौन सी रिपोर्ट को लोड करो, ये वाली जो रिपोर्ट नेम में हमने ये इसमें जो भी आएगा ठीक है वो इसमें हमने बता देना है। उसके बाद ये तो होगा रिपोर्ट का नेम, अब डाटा कौन सा होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपोर्ट आर डी डी डॉट सेट डाटा सोर्स। इसमें हमने जो है वो ये रिपोर्ट डाटा में हमने जो भी सेट किया होगा पीछे से, तो ये इसमें हमने यहाँ पे बता देना है। ये दोनों चीजें हमने बता दी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर है ना, ये वाला जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका नेम हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसका नेम बाय डिफॉल्ट क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर 1 नहीं है, तो इसमें हमने इनको शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे हमने लिखना है रिपोर्ट स्क्रीन में, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर 1 डॉट रिपोर्ट रिपोर्ट सोर्स, और यहाँ पे मैं हमने सारा कुछ, अब हमारे पास कहाँ पे आ गया, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में आर डी डी में, तो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे ठीक है ये दे देना, साइन कर देना, और इसको हमने रिफ्रेश कर देना, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर 1 डॉट रिफ्रेश, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली फ्लो है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई एक्स डॉट मैसेज, ठीक हो गया। अब सारा हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास एक एरर आएगा, वो ये होगा, यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, इस रिपोर्ट पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है इसकी, और प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ पे लिखा है कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, कॉपी इफ न्यूअर, ठीक है ये आपने कर दिया, कॉपी ऑलवेज कर दिया। अब सारा हमारा कोड जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अब हम चेक करते हैं इसको कि ये वर्क सही कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे इसका एक फ्लो बता देता हूँ दोबारा से, पहले हम एक बार इसको टेस्ट कर लें। यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें हमारे पास जो है वो रिपोर्ट शो हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डाटा जो है वो आ रहा है। यहाँ पे जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, पहली बार में थोड़ा सा ये टाइम लेता है, एक थोड़ा सा लैपटॉप भी जो है वो स्लो हो गया, पता नहीं क्या मसला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये रिपोर्ट लोड हो रही है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास डाटा भी जो है वो सारा आ रहा है, जो भी हमारे पास डाटा बेस में सेव था। अब यहाँ पे मैं आपको इसका एक बार फ्लो बताता हूँ, यहाँ पे हमने जो किया है मैं आपको सारा कुछ जो है वो दोबारा से बताऊँ, बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर दो टेबल ज्वाइन है तब हम डाटा कैसे जो है वो लाते हैं, मैं आपको अभी वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो बाय डिफॉल्ट फॉर्म होता है ना हमारे पास वो होता है फॉर्म 1, तो उस पर हमने क्या किया, यहाँ पे देखें उस पर हमने क्या किया, जहाँ पे जाके फॉर्म 1 पे एक बटन लगाया। अब इस बटन के क्लिक के हमने रिपोर्ट शो करवानी है जो डाटा बेस से डाटा लाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक और फॉर्म बनाया जो होगा रिपोर्ट व्यू स्क्रीन, जिसपे हमने अपनी रिपोर्ट को व्यू करवाना है, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर हमने क्या किया, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर होता है हमारे पास, वो हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमने इस पर कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे
इस फॉर्म पे रिपोर्ट व्यू स्क्रीन पे यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की ऊपर टॉप पे, एक रिपोर्ट नेम दूसरी डाटा सेट। इसमें हमने इसको रिपोर्ट नेम बताना है और यहाँ पे जो डाटा, और इसी को हमने यहाँ पे लोड में, जब भी ये फॉर्म लोड होगा तो ये जो भी इस इन दोनों में हमने सेट किया होगा ना वो ये यहाँ पे लोड कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म पे हमने क्या किया है, ऐसे ही यहाँ पे इस पे डबल क्लिक होगा तो हम डेटाबेस से डाटा ला रहे हैं। उस डाटा सेट को हमने एक डाटा सेट बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें हमने ये डाटे को फिल कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास डाटा सेट है, यहाँ ये वाला एक डाटा सेट बनाया, उसके अंदर हमने ये देख सकते हैं एक डाटा टेबल बनाया और इसमें प्रॉपर्टी डिक्लेयर की और इसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। इसमें डाटा हमने सारा जो है वो फिल कर दिया फॉर्म वन से, और इसी को हमने आगे रिपोर्ट में बता दिया कि इसको हमने रिपोर्ट में शो करवाना है। यहाँ पे देखें, उसके बाद रिपोर्ट व्यू स्क्रीन में हमने ऐप पाथ, रिपोर्ट पाथ और फुल पाथ, जो हमने रिपोर्ट व्यू स्क्रीन में प्रॉपर्टी बताई थी वहाँ पे हमने रिपोर्ट नेम में ये वाला बता दिया फुल पाथ, और डाटा जो शो करवाना है वो हमारे पास डाटा सेट में है डीएस में, तो वो हमने यहाँ पे सेंड कर दिया, उसको शो कर दिया। अब जैसे ही वो शो होगा तो वो प्रॉपर्टीज में जो हमने सेट किए हैं उनमें डाटा होगा वो लोड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो टेबल ज्वाइन है, जैसे कि अभी तो हमारे पास एक ही टेबल है, मैं यहाँ पे एक न्यू टेबल बना लेता हूँ जल्दी से, जिसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू टेबल में हम जो है वो एक, जैसे कि एक आईडी लिया, इसमें मैंने कॉलम इंट कर दिया, तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने एक आईडी ली है और एक सीआईडी ली है और एक सिटी का लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की डिटेल और यहाँ पे मैं कस्टमर के एड्रेस सेव करवाऊंगा, मतलब सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको टेब सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से, इस टेबल को, और इसको मैं नेम दे देता हूँ जैसे कि एड्रेस, ओके कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा डाटा भी जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको एडिट करके इसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड भी जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ, एक दो, ये लैपटॉप स्लो हो गया पता नहीं क्या मसला है इसको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पहले वाले कस्टमर जो जिसकी सीआईडी वन है ना, कस्टमर आईडी, उसका मैं एड्रेस लिख देता हूँ जैसे कि लाहौर। ऐसे ही हमारे पास जो टू है, टू आईडी वाला, उसका मैं लिख देता हूँ जैसे कि कराची। ऐसे ही जो हमारे पास तीसरी आईडी वाला है उसका मैं लिख देता हूँ मुल्तान। ऐसे जो फोर वाला है उसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि दुबई लिख दिया चले। उसके बाद हमारे पास जो फाइव आईडी वाला है उसका जो सिटी है, या चलें मैं कंट्री लिख रहा हूँ, चलें कुछ नहीं, ऐसे डमी मैं रिकॉर्ड इंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दिया एबीसी। अब यहाँ पे हमारे पास एड्रेस में एड्रेस की इन्फॉर्मेशन सेव, और जिसका एड्रेस है उस कस्टमर की आईडी भी यहाँ पे सेव है। अब हमने ये सिटी भी प्रिंट करवाना है। अब ये हमारे पास दो टेबल हो चुके हैं, तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपने डाटा सेट में थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक है। डाटा सेट में चेंज क्या करूँगा, यहाँ पे हमने अब सिटी भी शो करवाना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इस टेबल में कॉलम का नेम है ना वो सिटी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अपने डाटा सेट में कंट्रोल एल करके यहाँ पे एक न्यू डाटा कॉलम इंसर्ट कर लूंगा सिटी के नाम से, पास ये हमारा इतना ही काम है। अब इसको मैं फिर से यहाँ पे सेव कर दूंगा, डाटा सेट में हमने चेंजिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, रिपोर्ट में हमने चेंजिंग करनी है थोड़ी सी, यहाँ पे सॉरी रिपोर्ट में कह दिया, फॉर्म में क्यूरी में चेंज करना है हमने, जो हमने यहाँ पे हमने लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, अब हमने एड्रेस भी लेके आना है, तो क्या लगेगा ज्वाइन, तो यहाँ पे मैं करूंगा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कौन सा करेंगे हम, किसके साथ, एड्रेस टेबल के साथ इनर ज्वाइन करो। किस बेस पे करते हैं, ऑन लगा के, यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि कस्टमर्स डॉट जो आईडी है ना कस्टमर की, कस्टमर वाले टेबल में उसकी जो आईडी वाला कॉलम है ना उसको ज्वाइन कर दो किसके साथ, एड्रेस वाले टेबल में सीआईडी है जो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कस्टमर वाले टेबल में हमारे पास हर कस्टमर की आईडी है, और इस सी आईडी को हमने यहाँ पे एड्रेस में सेव करवाया हुआ है, ये वाली सी आईडी, तो इन दोनों कॉलम को हम मैच करेंगे तो हमारा ज्वाइन जो है वो लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ज्वाइन जो है वो लग चुका है। अब हमने चेक करना है बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा, यही हमने डाटा सेट का नेम दिया, ये सारा कुछ सेम ही रहेगा। अभी हमने चेक करना है कि हमारे पास एड्रेस भी सिटी भी आ रहा है या नहीं। अब हम रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट जो हमने डिजाइन किया ना वो है हमारे पास रिपोर्ट्स में, यहाँ पे जाएंगे, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। अब हमने इसमें भी कॉलम ऐड करना है ना सिटी वाला, तो उसके लिए मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, कॉलम बनाना है
ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, और हमने अब सिटी भी शो करवाना है। अब यहाँ पे देखिए डेटाबेस अगर फील्ड में जाते हैं ना, तो जो हमारा डाटा सेट है अब हमने उसमें चेंजिंग की है, सिटी जो लिखा है वो यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, तो इसको जो है वो वेरीफाइड डेटाबेस कर दूंगा, ठीक है, और इसको ओके कर दूंगा, अप टू डेट हो गया सारा कुछ। अब दोबारा इसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो देखिए हमारे पास सिटी भी आ चुका है। तो अब इस सिटी को यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सिटी भी आ चुका है, इसको मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसकी भी थोड़ी सी सिटी कर देता हूँ, ठीक है। बाकी की डिजाइनिंग आप खुद कर लेना, मैं बस जल्दी में कर रहा हूँ। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे सिटी भी शो हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो चुका है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ शो रिपोर्ट वाले पे, तो मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया है, तो अभी हमारे पास जो है वो रिपोर्ट शो हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली बार में थोड़ा सा टाइम लेता है, और कुछ वैसे भी मेरा लैपटॉप जो है वो स्लो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये हमारे पास रिपोर्ट लोड हो रही है, और यहाँ पे मैं आपको बड़ी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास सिटी भी जो है वो उनके आ चुके हैं, ठीक है। तो यार अब हमने यहाँ पे देख लिया कि ज्वाइंट टेबल से भी कैसा, अब वही था हमारे पास डाटा सेट, बस थोड़ी सी मैंने चेंज की है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको लास्ट पे और बताता चलूँ, अगर आपने आईडी की बेस पे करना होता, फर्ज करें आपने आईडी की बेस पे आप करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने करना क्या है। मैं फॉर्म वन पे चलता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो लेता हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं क्या करूंगा, आईडी लिखूंगा, ठीक है, और इस आईडी की बेस पे अब जो है वो हम लेके आएंगे। यहाँ पे मैं इस पे शो रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं कह दूंगा कि वेयर जो कस्टमर आईडी है ना, ये जो हमारा कस्टमर्स वाला टेबल है ना डॉट, उसमें जो आईडी है, क्योंकि हमने ज्वाइन लगाया हुआ है ना, तो कस्टमर के अंदर जो आईडी है ना वो बराबर है किसके। आप यहाँ पे भी इसको दे सकते हैं या पैरामीटर के जरिए भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर के जरिए दे रहा हूँ एट द रेट आईडी, ठीक है, जो कस्टमर की आईडी है ना वो आईडी के बराबर है। अब ये जो पैरामीटर हमने बनाया है इसको मैं यहाँ पे असाइन करूंगा, यहाँ पे इसको मैं वैल्यू देता हूँ सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और यहाँ पे जाके ये जो हमने पैरामीटर लिया है इसको नेम आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे एट द रेट लगा के, लेकिन जो आपने यहाँ पे दिया वही आप यहाँ पे पैरामीटर में भी देंगे, या आप डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ पे इसमें वैल्यू कहाँ से जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, बस इतना ही काम करना है। अब यहाँ पे देखें और हमने किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, डाटा सेट सेम रहेगा, क्योंकि डाटा सेट में वही चीज़ें आएंगी ना, बस आईडी की बेस पे अब आएगा। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक डाटा सेट से हम जो है वो कितना काम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी की बेस पे भी आएगा रिकॉर्ड हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ वही रहेगा, बस आईडी की बेस पे अब आएगा रिकॉर्ड। स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आईडी जैसे कि वन का सिर्फ रिकॉर्ड देखना है, मैंने वन लिखा और यहाँ पे शो रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, वन लिख के मैंने शो रिपोर्ट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ वन का ही रिकॉर्ड जो है वो रिपोर्ट में डाटा शो होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारी जो है वो रिपोर्ट लोड हो रही है, तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं सिर्फ आईडी वन का ही रिकॉर्ड इसने जो हमें दिखाया है। मैं आईडी चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं आईडी कर देता हूँ टू, टू लिख के मैंने रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो अब हमारे पास सिर्फ आईडी टू का ही जो है वो रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अभी आईडी टू का ही रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। तो अब देखें हमने पैरामीटर के जरिए भी जो है वो देख लिया कि डाटा सेट को यूज करके हम जो है वो कैसे फिर रिपोर्ट में डाटा को शो करवाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।